अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला हारून और आप देख रहे हैं हारून एंड उमर ब्लॉग। तो गाइस आज का मजेदार ब्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइस अभी तो मैं सबसे पहले बाहर आ गया हूँ, देखें आज कितनी ज़्यादा धूप है। कल बारिश भी हुई थी मगर आज धूप बहुत ज़्यादा है। अभी थोड़ी देर पहले तो आसमान पर बादल मौजूद थे मगर अभी तो एक भी बादल नहीं है और सूरज बिल्कुल गर्म धूप डाल रहा है। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना अपना ब्लॉग शुरू करूं और अपने व्यूवर्स को फिर आगाह करूँ। और अभी गली भी बिल्कुल खाली ही है, ऐसा कोई लोग नहीं है। तो अभी अंदर चलते हैं। सो गाइस तो अभी मैं आ चुका हूँ दरवाजे के पास और आज का मेरा ब्लॉग ना ब्लॉग में उमर भाई के साथ ना प्रैंक वीडियो है। तो अभी चलते हैं उमर भाई के साथ प्रैंक करते हैं। उमर भाई कहते हैं कि उसका दोस्त उसको बाहर गली में बुला रहा है, तो देखते हैं उमर भाई क्या रिएक्शन होता है। तो गाइस तो अभी आप देख सकते हैं ये उमर भाई की जूती पड़ी है और ये उमर भाई इधर सोफे पे लेटा पड़ा, पता नहीं सोया पड़ा। यार उमर भाई ये लेटा हुआ है, यार आपको बाहर ना आपका दोस्त बुला रहा है। अनस वगैरह साइकिल पे तो चलें 5 मिनट है, गर्मी जरा तो चलते हैं अभी। गाइस तो भी आप देख सकते हैं उमर भाई बाहर जा रहे हैं। प्रैंक वीडियो हो गई है गाइस की ना, ये गाइस है पर हो गई है। तो उमर भाई ये छोटा सा एक प्रैंक हमने सोचा आपके साथ कर लें, आप हमारे बहुत अच्छे वो हैं। तो गाइस अभी अंदर चलते हैं, ये देख सकते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अभी इधर चलते हैं। सो गाइस तो अभी आप देख सकते हैं मैं ये अपने पढ़ाई वाली जगह पर आ चुका हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँ फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस तो अभी हम जा रहे हैं दुकान पर और आपको दिखाते हैं हमारे घर से कितना दूर है दुकान, क्योंकि मेरी छोटी बहन जा रही थी तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी साथ ही चील देने चला जाऊं। तो अभी चल रहे हैं, आज मैं आपको दिखाता हूं कि इधर जो साथ वाली गली है इधर की है, ये देखें ये एक बिल्ली बैठी डरती है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ इनके साथ चीज़ लेने के लिए। ये देखें साथ वाली गली हमारे घर के साथ कुछ इस तरह एक गली है और आगे मस्जिद आ रही है, आगे मस्जिद है। तो मस्जिद में पहुँचे उसके बाद फिर आपको मस्जिद भी दिखाते हैं आज। तो गाइस तो अभी आप देख सकते हैं ये मैं मस्जिद में पहुँच चुका हूँ, ये मेरा दोस्त है ये मस्जिद धो रहा है, एक वो भी है अब्दुल बहाब वो भी मस्जिद धो रहा है अभी, वो देखें वो सामने खड़ा। आई वो कैमरा मैं कहता हूँ मैं कैमरे में नहीं आना चाहता। तो अभी चल रहे हैं दुकान पर, यार आप अपनी शक्ल दिखाओगे तो मेरी गाइस ये दोनों कैमरे में आने से शर्माते हैं। तो अभी हम चलते हैं बाहर गाइस, देखें मस्जिद हुई है इनमें सारा पानी बाहर जमा हो गया और ये एक दुकान है भुट्टा साहब की, जब भी चीज़ लेनी होती है हम यहाँ पर आते हैं। और ये साथ एक गली है अभी ये खाली पड़ी है। तो गाइस तो अभी ये दोनों चीज़ लेकर आ चुके हैं। उमर भैया आपने क्या लिया है? दो बबल। यार एक बबल मुझे भी दो यार। तो गाइस अभी एक बबल मुझे मिल गया। हादिया आपने क्या लिया है? उसने पॉप स्टार लिया है। तो गाइस अभी ये दोबारा आ चुके हैं, वो देखें वो दोनों कैमरा आते ही ना वो दोनों छुप जाते हैं कैमरे से। गाइस ये मस्जिद का दरवाज़ा था, अभी मस्जिद से बाहर आ चुके हैं और अभी वापसी चल रहे हैं घर। तो घर पहुँच जाएँ उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस तो अभी हम चीज़ लेकर वापसी आ चुके हैं और अभी ये सामने एक चादर गिरी हुई है क्योंकि आज कपड़े धुले हैं और ऊपर चादरें लटकी हुई थी तो शायद कोई एक नीचे गिर गई है। और गाइस अभी आते ही सामने बाइक पे नज़र पड़ी है, तो अभी आप देख सकते हैं हमारी बाइक कितनी मैली कुचैली हुई हुई है। मैंने सोचा था कि कल इसको वापस आकर धुलवाऊंगा मगर कल जब स्कूल से वापसी आया तब बारिश हो रही थी तो कल भी बहुत ज़्यादा कीचड़ थी और आज भी रोड पर बहुत ज़्यादा कीचड़ मौजूद है। तो अभी तो नहीं, अभी इसको कुछ दिनों तक फिर धुलवाएंगे, जब धुलवाएंगे तब आपको भी दिखाएंगे। तो अभी अंदर चलते हैं।
तो गाइस उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस किस की चैन में बारिश आई है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।